हाय फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो आईबीटी एक्सेल स्कूल की इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ एमआईएस के बारे में। एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक छोटी सी कंपनी से लेके एक बड़ा सा एमएनसी, कॉर्पोरेट, हर जगह यूज होने वाली चीजें हैं। अगर आप बात करें छोटी सी सीए फॉर्म की, या एक बात करें मल्टीनेशनल कॉल सेंटर्स की, हर जगह पे एमआईएस का यूज होता है। अगर आप एसएमई हैं, आपकी एक छोटा सा शॉप है, या आप एक छोटे से बिजनेस को रन करते हैं, तो उसमें एमआईएस क्या इम्पैक्ट करेगा, एमआईएस से क्या बेनिफिट हो सकती है, चलिए इसके बारे में हम बताते हैं इस बिजनेस में। तो आज हम बात कर रहे हैं एमआईएस। एमआईएस जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होता है। तो क्या होता है एमआईएस, क्या बेनिफिट्स हैं, चलिए इस पे हम अभी आपको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप किसी तरह के डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप एक छोटा सा शॉप है आपकी, उस शॉप पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि सेल हो रहे हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सीजन होता है या फिर सेल ज्यादा होता है, तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि आपकी जो किस पीरियड में कौन से प्रोडक्ट की एवरेज सेल क्या है, या कितना स्टॉक को मेंटेन करना है, या पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी सेल बढ़ रही है या घट रही है, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि इस प्रोडक्ट को आगे कंटिन्यू करना है सेम क्वांटिटी में, या किसी और प्रोडक्ट को इससे रिप्लेस करना है। क्या होता है कि जब आप कोई स्टोर आपकी होती है या आपका कोई बिजनेस होता है, तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज या प्रोडक्ट होते हैं जो धीरे 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 उसकी डिमांड बनती जाती है। जब तक डिमांड पूरी तरह से हमारे बैलेंस शीट को, हमारे प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं कर देता है, तब तक लोग उसको रिप्लेस नहीं करते हैं या अपग्रेड नहीं करते हैं। अगर टाइम के साथ उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको एक सही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है वो होता है डेटा माइनिंग, मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट की सेल्स करते हैं या जो भी आपकी सर्विसेज है, उसकी आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी डेटा की स्टोरेज करेंगे। देन बारी आती है एनालिसिस की, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में समराइज करके, कंपेयर करके एनालिसिस करना होता है, वो होता है डेटा एनालिसिस। उसके बाद बात होती है इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को जब हम लेते हैं, तब जाके हम एक डिसीजन ले पाते हैं। तो इंफॉर्मेशन से क्या होता है, हमें एक डिसीजन मेकिंग प्लान मिलता है कि हम इस पे क्या डिसीजन लें, क्या हमें इसको कंटिन्यू करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, या इसके ऊपर हमें कोई ऑफर देना है, परसेंटेज देना है, डिस्काउंट देना है, और क्या देना है। जब तक मुझे उसकी प्रीवियस सेल्स या प्रीवियस कुछ सालों की सेल्स रिकॉर्ड ना मिल जाए, तब तक हमें एक सही डिसीजन नहीं मिलता है। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि अगर आपके पास अगर पेंट की कंपनी है आपकी, या पेंट का स्टोर है आपका, तो आप पेंट भी कितने वेरिएंट के होते हैं, तो आपको यह देखना है कि आपका, मान लीजिए कि जो प्राइमर है, अब बहुत सारे लोग क्या है, प्राइमर पहले क्या था, चूना यूज करते थे, चूने में फिर रंग आ गया, फिर फेविकॉल आ गया, उसके बाद आ गया आपका व्हाइट सीमेंट आ गया, तो उसी तरह से प्राइमर भी आया, तो धीरे धीरे अगर प्राइमर की जगह कोई ले रहा है, तो कितना सेल्स जो है पिछले साल की अपेक्षा, उसके पिछले साल की अपेक्षा घटा है या बढ़ा है, और घटने बढ़ने का परसेंटेज क्या है। कई साल जुड़ी नहीं, एक या दो साल, हो सकता है एक दो साल में कोई प्रॉब्लम हो, या आपकी दुकान कुछ दिनों तक बंद हो, या आपको स्टॉक ना मिला हो, तो ऐसी हो सकती है कि एक दो सालों के बीच में सेल्स कम हो, लेकिन कई सालों का अगर जब आप कंपेयरिंग करेंगे, पांच या छह या सात सालों की कंपेयरिंग करेंगे, तो आप एक अच्छा ग्रोथ रेट पाएंगे, एक अच्छा एवरेज सेल पाएंगे, और उस सेल के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं। तो एक डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा, ताकि आप कम प्रोडक्ट खरीद के या कम प्रोडक्ट को स्टोर करके आपका कस्टमर जो है वापस न जाए, आपकी सेल में कमी ना हो, या फिर आप ज्यादा प्रोडक्ट करके अपने पूंजी को इन्वेस्ट ना करें, या फिर उसको फ्रीज ना करें, या उसको आप जो है मिसयूज ना करें। तो एक डिसीजन मेकिंग जो होता है वो आपके एनालिसिस पे होता है। अब बात आती है इसको सीखे कैसे,
इसको करें कैसे? हमने तो बहुत सारी लंबी चुड़ी चीजें बता दी आपको, बट क्वेश्चन यहां पे आता है हाउ। तो इसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म है, सबसे पहला प्लेटफॉर्म है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, चीप एंड बेस्ट। बहुत सारे लोग इसको पायरेटेड उठा के ले आते हैं, बट एज ए टीचर मैं आपको पायरेटेड लेने की सलाह नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा खरीद लीजिए। बहुत ही कम कीमत में आती है, 600-700 रुपए, 700 रुपए महीने में आती है, या 4,000-5,000 की सलाना पे आती है। तो एक्सेल, एक्सेल आपका डेटा स्टोरेज भी हो जाएगा, एक्सेल आपका एनालिसिस भी हो जाएगा, एक्सेल आपका कैलकुलेशन भी कर देगा, एक्सेल आपको रिप्रेजेंट भी कर देगा। तो ये सारी चीजें एक्सेल आपको कर देगा। इनवॉइसिंग आप एक्सेल में कर लेंगे, कैलकुलेशन, मैसेजिंग, मेलिंग, सब आप एक्सेल में कर सकते हैं, एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं या एक्सेल में कर सकते हैं। अब इसको और ज्यादा एडवांस में ले जाए, इसमें प्रोग्रामिंग है, वीवीए की कोडिंग है, इसकी मदद से आप अपने हिसाब से जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहे वो बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपके पास इसकी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा बंदा जो इसको अच्छी तरीके से जानता हो उसको हायर करना पड़ेगा। अगला है हमारा पावर बी आई। पावर बी आई एक बहुत ही अच्छा विजुलाइजेशन एनालिसिस टूल्स है, और ये मजे की बात है कि अभी इसका फ्री वर्जन चल रहा है, डेस्कटॉप वर्जन बिल्कुल फ्री है, इसको एनालिसिस कर सकते हैं, बट इसकी कुछ खामियां हैं, बट सीखने के लिए ये सबसे अच्छा है। आप 15 से 20 क्लासेस में इसको अच्छे से सीख सकते हो, जिससे आप अपने डेटा को अलग अलग ढंग से एनालिसिस कर सके। अगला है टैबलू। टैबलू पावर बीआई की तरह है, ये भी आपकी जो है विजुलाइजेशन एनालिसिस के लिए यूज की जाती है, इजीली इसको कंपेयरिंग, इजीली चार्टिंग और इजीली विजुलाइजेशन तैयार कर सकते हैं। अगला है गूगल शीट। अगर आप एक्सेल को प्रचलित नहीं करना चाहते हैं, पावर बीआई प्रचलित नहीं करना चाहते, एक पीसी पे काम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं तो आपको एक पीसी पे काम करना पड़ेगा, या फिर एक ऑफिस जो कि टीम ड्राइव से, नेटवर्क से, लैन से कनेक्टेड होगा, उस पर वर्क करना होगा। अब मान लीजिए कि आपको कोई शेयर देखना है, तो मोबाइल पे जब तक तो कोई आपको मेल नहीं भेजा तब तक नहीं देख सकते हैं, या फिर आपको ऑफिस 365 देना पड़ेगा तब उसको यूज कर सकते हैं। बट गूगल शीट वेरी इजी है, ये ऑनलाइन चलती है, ऑनलाइन क्लाउड में स्टोर होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 15 GB तक का स्पेस गूगल आपको फ्री में देता है, इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हमारे iptindia.com पे डेमो क्लासेस का फिल कीजिए, और लाइव इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़िए, और हम आपको डायरेक्टली पढ़ाएंगे, वो भी 3 से 5 बच्चों की ग्रुप में, कोई बड़े से सेमिनार में नहीं, कोई बड़े से क्लासरूम में नहीं, आप अपने घर पे, ऑफिस के बाद, ऑफिस से पहले। सुबह 5 बजे मैं क्लास देना शुरू करता हूं, रात के 12 बजे तक क्लास आपको देता हूं। अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूं इससे टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं, अभी भी मेरे पास 3 क्लासेस पेंडिंग है जो कि चलेगी 12 बजे तक। तो आप जो है रात के 2 बजे तक भी इनसे पढ़ सकते हैं, लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन। तो इस वीडियो का आपने पूरा देखा, इसलिए थैंक यू, और जल्दी मिलेंगे हम आपके साथ हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर्स और मेरी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, उसको देख लीजिए, और कभी भी दिक्कत हुई मुझे कॉल कीजिए। ओके, नमस्कार, गुड नाइट।